एमआर लेआउट एवं डेवलपर्स के विरुद्ध अवैध प्लॉटिंग को लेकर लंबे समय से मिल रही शिकायत को लेकर निगम ने तोड़ा अवैध निर्माण। अवैध प्लॉटिंग हटाने पूर्व में जारी किया गया था नोटिस। नगर पालिका निगम दुर्ग ने राजस्व विभाग एवं टाउन एवं कंट्री प्लान द्वारा लंबे समय से कर रहे अवैध प्लॉटिंग पर जेसीबी चलाकर अवैध निर्माण हटाने की कार्रवाई बुधवार को तड़के सुबह की, जिसके चलते निगम प्रशासन ने राजस्व विभाग टाउन एवं कंट्री प्लान दुर्ग के साथ अवैध प्लॉटिंग को हटाने की कार्य योजना तैयार कर निगम आयुक्त हरीश मंडावी सहित एसडीएम, भवन अधिकारी, स्वास्थ्य अधिकारी, अतिक्रमण अधिकारी अपने पूरे अमले के साथ पहुंचे और कार्रवाई की शुरुआत की। गौरतलब है कि निगम आयुक्त हरीश मंडावी ने बताया कि लगभग 50 एकड़ जमीन में बाउंड्री वॉल व उनमें निर्माण मेन गेट तथा अंदर बने कई स्थानों में निर्माण हो चुके सड़कें एवं कच्चे मकानों को जेसीबी के माध्यम से धराशायी किया गया और साथ ही भविष्य में इस तरह की अन्य कब्जेधारियों पर भी कार्रवाई करने की बातें उन्होंने कही। निगम आयुक्त ने यह भी बताया कि एमआर लेआउट डेवलपर्स के विरुद्ध ये कार्रवाई की गई है। उस फर्म के विरुद्ध अवैध प्लॉटिंग न करने की चेतावनी देते हुए निगम प्रशासन ने पूर्व में 3 बार नोटिस जारी किया था। बावजूद इसके उनके द्वारा अवैध प्लॉटिंग को हटाने की कार्रवाई नहीं की जा रही थी, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। इस संबंध में निगम आयुक्त हरीश मंडावी ने न्यूज टीम के समक्ष अपनी प्रतिक्रिया दी है। नहीं, उनको हम लगातार जो है लास्ट एक साल से नोटिस हम दिए जा रहे थे। उनका जवाब भी प्राप्त तरीके से आया नहीं और फिर हम इसमें कार्रवाई जो है वो एक प्रकार से हमें कार्रवाई अवैध कॉलोनी है उस बेस पे किए हैं। कोई किसी प्रकार का द्वेषपूर्ण कदम मामला ही नहीं बनता है। यहाँ आपको बता दें कि एमआर लेआउट एवं डेवलपर्स के विरुद्ध अवैध प्लॉटिंग को लेकर लगातार शिकायतें मिल रही थी, इस हेतु निगम द्वारा अवैध प्लॉटिंग पर कार्रवाई की गई। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।